आ गया था क्वेश्चन, कराना है लास्ट टाइम का क्वेश्चन आ गया था या करवाना है? करवा दूं लास्ट टाइम पे क्या करवाया था? रजत लास्ट टाइम पे क्या करवाया था? मोलरिटी निकालने के लिए क्वेश्चन दिया था। अच्छा, जो लास्ट टाइम पे हम लोग सॉल्व कर रहे थे, किसका किसका आ गया आंसर, निकल गया क्या आंसर? लास्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया था क्या? हेलो, ऑनलाइन बच्चे भी बोल सकते हैं। आवाज आवाज कट के आ रही है अभी। कट अच्छा, लास्ट एंड पे जो क्वेश्चन था उसकी बात कर रहे हैं, निकल गया था क्या आप लोग का? इसमें होगा नहीं। अच्छा, इस पीपीटी पे होगा नहीं। क्वेश्चन क्या था बता दो तो करवा दे। क्वेश्चन में क्या गिवन था? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1.1 पॉइंट ग्राम पर एमएल। ठीक है, यूरिया था 120 ग्राम। सॉल्वेंट था आपका वाटर और कितना था? 1000 ग्राम। निकालना क्या था? मोलरिटी निकालनी थी। मोलर मास कितना दिया हुआ था? 60। यूरिया का मोलर मास कितना था? ठीक है, तो यूरिया के क्या करें, मोल्स निकाल लें। यूरिया के मोल्स निकाल लेते हैं। यूरिया के मोल्स कैसे आ जाएंगे? गिवन मास बाई मोलर मास कर देते हैं। गिवन मास 120 है, 60 कितना आ गया? 2 मोल्स आ गए यूरिया के, सॉल्यूट के मोल्स आ गए हमारे पास। अब क्या करो, सॉल्वेंट का मास गिवन है। ठीक है, तो ये भी नहीं करना था अपने को, ये तो बहुत ही इजी था। देखो, मोल्स तो निकल गए, अब डायरेक्टली अपने को चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मोलरिटी के लिए। तो क्या करें, सॉल्यूट का मास निकाल लो और सॉल्वेंट का मास, दोनों आपको गिवन है, तो पूरे सॉल्यूशन का मास हमारे पास आ जाएगा। तो अगर आपको सॉल्यूशन का क्या चाहिए, मास चाहिए, तो आपको क्या करना है, सॉल्वेंट का मास प्लस सॉल्यूट का मास, ये दोनों डेटा अपने पास हैं, ऐड अप कर दिया। सॉल्वेंट 1000 था, सॉल्यूट कितना था? 120। तो कितना हो गया, ये आ गया आपका सॉल्यूशन का मास। और आपको पता है एम इज इक्वल टू क्या होता है, वी इंटू डी। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमको चाहिए क्योंकि मोलरिटी के फॉर्मूला में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर चाहिए होता है, तो हमें वॉल्यूम चाहिए। तो वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, सॉल्यूशन का वॉल्यूम? भाई एम इज इक्वल टू वी इंटू डी, तो वी निकालना है तो एम बाई डी कर दे। मास है कितना और डेंसिटी कितनी दी हुई है, 1.15। तो सॉल्यूशन का ये वॉल्यूम आ गया किसमें, एमएल में। वॉल्यूम निकल गया सॉल्यूशन का, अब वॉल्यूम आ गया तो इसको लीटर में कन्वर्ट कर लो, और मोल्स तो आपको पता ही है, तो मोलरिटी आ जाएगी। भाई मोलरिटी कैसे निकलती है, मोल्स
ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स. मोल्स कितने आ गए थे? 2 आ गए थे, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में आ गया. ये 1.15 यहाँ पे करेंगे, है ना? सही है, सही कर रहे. और इसको डिवाइड करना पड़ेगा किससे? 1000 से. तो 1000 ऊपर चला जाएगा, ये डेटा आ जाएगा, ये आ जाएगी आपकी. ये इसी तरीके से किया था आप लोगों ने? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज आ रही है? इसी तरह से किया था आपने? कैसे किया था रजत? हाँ, के अकॉर्डिंग कैसे कर रहा है? ये डेंसिटी यूरिया की नहीं है, ये डेंसिटी सॉल्यूशन की गिवन है. ये किसकी डेंसिटी गिवन है? सॉल्यूशन की. ऑप्शन पता नहीं, शायद मैंने पता नहीं कहाँ से दिया होगा, मतलब ऑप्शन इसमें किसी ईयर का ही क्वेश्चन था. ठीक है, ऐसे सॉल्व करेंगे तो. अब ये क्वेश्चन करते हैं, हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पे 1 किलोग्राम? कितने मोल्स इलेक्ट्रॉन का मास होगा 1 किलोग्राम? मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन मालूम है किसी को? 1 इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? ये डेटा याद किया होगा ना 9th में, याद किया है क्या? ये मास किसका है? 1 इलेक्ट्रॉन का. 9.1 31 kg. अब क्वेश्चन क्या दे रखा है इन्होंने? बोल रहे हैं कि कितने मोल्स इलेक्ट्रॉन होगा जिसका मास कितना होगा? 1 kg. तो कैसे निकाल सकते हैं? सोचिए एक मिनट, नहीं आता है तो मैं बताऊं. मुझे पता नहीं आंसर इसका, नहीं इसका आंसर मुझे पता नहीं, ये तो ऐसे ही मार्क है. सॉल्व करना पड़ेगा, ट्राई करिए सब लोग. आज क्या बात है, क्लास में बहुत शांति है. मैथ्स में भी ऐसा ही था. कोई कुछ बोल नहीं रहा है. पीडीएफ नहीं है अभी आपके पास? वीडियो क्या था? वीडियो भी नहीं है. ग्रुप में एडेड है ना? आप लोग कर रहे हैं या मैं बताऊं? समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं. अपने पास 1 इलेक्ट्रॉन के मास का डेटा है कि हमारा 1 इलेक्ट्रॉन अगर होता है तो उसका मास कितना होगा? इतना होगा. और इन्होंने पूछा कितना है? इन्होंने पूछा है कि 1 kg अगर मास है तो उसमें कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है. तो यहां से हम निकाल सकते हैं, देखो 9.1 मल्टीप्लाइड बाई 10^-31 kg इज इक्विवेलेंट टू 1 इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं?
इतनी बात समझ में आती है सबको? तो 1 kg इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/9.1×10⁻³⁻³⁻¹ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लेकिन इन्होंने इलेक्ट्रॉन नहीं पूछा, इन्होंने क्या पूछा है? मोल्स पूछे ना इलेक्ट्रॉन के। तो ये नंबर ऑफ पार्टिकल है, तो इसको मोल्स में कन्वर्ट कर सकते हो क्या? एक फॉर्मूला आपको बताया था, नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय NA इज इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स। अगर इससे हम लोग देखें तो 1 kg में इलेक्ट्रॉन कितने दिखाई दे रहे हैं हमको? इतने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, इतने नंबर ऑफ पार्टिकल है, और इसको किस में कन्वर्ट करना है? मोल्स में कन्वर्ट करना है। तो मोल्स में आपको कन्वर्ट करना है तो ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे Na आ जाएगा, देख पा रहे? कहाँ आंसर मैच कहाँ कर रहा है? मैच कर रहा है क्या आंसर? इसको सॉल्व करेंगे, ये 9.1 है और ये कितना है? अब ये 10⁻²³ बन गया और ये कितना बन गया? 31। तो ये कितना आ रहा है आपका? 8। और यहाँ पे इस वैल्यू को सॉल्व करो। अच्छा, इससे छोटी कोई वैल्यू नहीं दिख रही है ना? आसपास भी नहीं है। 9.1×6 करोगे तो कितना आएगा? 5.4 मान लो, अगर इसको 9 मान लो, उसको 6 मान लो, तो कितना आएगा? 54 आएगा, है ना? 54 से डिवाइड करोगे अगर 100 में, देख लो। मुझे तो इसका आंसर गलत लग रहा था, मैंने शायद पूरा सॉल्व नहीं किया होगा। इस वैल्यू को कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देखो, नीचे वाली है जो वैल्यू कितनी आ रही है? मुझे इसके उस पे आंसर, उसमें थोड़ा सा डाउट। 54 पॉइंट आएगा ना, तो 54 आएगा अगर, तो फिर तो वैल्यू नहीं। हाँ, मुझे इसके अकॉर्डिंग में आंसर जब मैंने किया भी था वो भी मुझे प्रोसेस समझ आ गया। इसके आंसर में थोड़ा सा मुझे अभी मैं देखती आंसर, अभी क्वेश्चन मार्क लगा दिया, मतलब आंसर में क्या है? डाउट। ठीक है, प्रोसेस समझ गए कैसे करना है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। रीअरेंज द फॉलोइंग फर्स्ट टू फोर्थ इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग मासेस, मासेस को के इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। ए बी सी डी क्या दिया हुआ है? करेक्ट ऑप्शंस। ओके, क्या क्या चार चीजें हैं? 1 molecule ऑफ ऑक्सीजन, 1 atom ऑफ नाइट्रोजन, 1×10⁻¹⁰ मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन एंड 1×10⁻¹⁷ एटॉमिक मास ऑफ। एक जगह मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है, एक जगह एटॉमिक मास दिया हुआ है,
और एक जगह वन मॉलिक्यूल दिया, एक जगह वन एटम दिया हुआ है। सबके अलग अलग मासेस आपको देखने हैं और फिर बताना है किसका ज्यादा है किसका कम। बहुत पास से दिखता ही नहीं है, अभी यहां से दिख रहा है मुझे। क्वेश्चन देख पा रहे हैं सब लोग क्लियरली? क्या हुआ? कहीं पे भी ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम एटॉमिक मास लिखते हैं ना, तो इसका मतलब समझ रहे हैं? नहीं, जब भी ग्राम एटम ग्राम मॉलिक्यूल लिख देते हैं तो उसका मतलब होता है मोल। वन एटम दिया हुआ है ना, वन एटम ऑफ नाइट्रोजन जैसे दिया है, तो इसका मतलब नाइट्रोजन के एक एटम का मास आपको लेना है। वन एटम का मास कितना होगा नाइट्रोजन के? नाइट्रोजन के वन एटम का मास कितना होगा? तो 14 ग्राम हम लोग लेते हैं, वो किस वन एटम का नहीं लेते, वो वन मोल एटम का लेते हैं। 14 ग्राम जो लेते हो, डी होगा ऑप्शन। कैसे कैसे? बी होगा। कैसे एक्सप्लेन करो, एक्सप्लेन भी करना होगा ना। सेकेंड वाले का 14 ग्राम आ रहा है। हाँ भाई, हम बोलते हैं देखो, नाइट्रोजन का एटमिक मास क्या बोलते हैं? एटमिक मास 14 ग्राम बोलते हैं ना ऐसे। तो ये 14 ग्राम ये होता है Na का होता है, Na एटम्स का होता है, ठीक है। लेकिन अगर वन एटम की बात करोगे तो इसका मास कितना हो जाएगा? 14 AMU। कितना हो जाएगा? 14 AMU हो जाएगा। इसी तरीके से अगर वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन आप लेते हो तो O2 के लिए आप 32 ग्राम लेते हो, वो कितने का होता है? वन मोल का होता है। और यहाँ पे कितना है आपका? वन मॉलिक्यूल है O2। मॉलिक्यूल बोलने का मतलब O तो होगा नहीं, O2 होगा, तो कितना हो जाएगा? AMU। अब इन दोनों की बात तो पता लग गई, अब तीसरे को देखो। तीसरे में लिखा है इन्होंने 1 × 10⁻¹⁰ ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन, और यहाँ पे लिखा हुआ 1 × 10⁻¹⁷ ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कॉपर। कॉपर के लिए कितना होता है? कॉपर का अगर हम देखें तो अप्रोक्स शायद 63.5 होता है। दिया तो हुआ है, हाँ 63 दिया हुआ, 63 दिया हुआ है ना। पर ये हैं कितने? 10⁻¹⁷ ग्राम एटमिक मास है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपका?
और इसकी वैल्यू कितनी आएगी ये वाले की, इसमें टू का मॉलिक्यूल की बात करें तो टू का मल्टीप्लाई भी होगा 16 में, ठीक है। अब देखो अब वैल्यू किस, कौन सी ज्यादा आ रही है कौन सी कम है, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, सबसे छोटी वैल्यू है आपकी 14 है ना, और सबसे बड़ी वैल्यू किसकी आएगी 63 जिसमें 10^-7 है, हाँ ये वाली आएगी बी हो जाए, बी ऑप्शन बन रहा है। देखो ध्यान से इन्होंने क्या बोला, इंक्रीजिंग ऑर्डर, हाँ इंक्रीजिंग ऑर्डर, सी हो रहा है। ये किसके लिए, एक मिनट, ये फोर्थ है ना, ये वैल्यू किसकी है थर्ड की है, ये वैल्यू किसकी है 14 वाली सेकंड की है, और ये वैल्यू किसकी है फर्स्ट की है। तो सबसे छोटी वैल्यू किसकी है सेकंड की तो है, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद किसकी है फर्स्ट की है, हाँ जी ठीक है, और फिर उसके बाद किसकी आ रही है, फिर बड़ी वैल्यू आ रही है किसकी, इसकी आ रही है, फिर उसके बाद फोर्थ की आ रही है। तो ऑप्शन अपना कौन सा बनता है, ठीक है। बहुत पास से दिखता ही नहीं, हाँ अजीब से आ रहे हैं ना, ये किसी पीडीएफ से ऐसे मैंने लिए ना तो इसलिए थोड़ा सा, और उनको मैंने कर दिया है बड़ा, जब आप स्ट्रेच कर देते हो ना तो वो। अच्छा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते, मिक्सचर दिया हुआ है, एक्स है कोई चीज, कोई कंपाउंड एक्स है, 0.02 मोल ऑफ CONH3O5Br, ठीक है, एक कंपाउंड ये है, और दूसरा कंपाउंड है 0.02 मोल ऑफ CONH3O5BrSO4, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर कंपाउंड को देखो तो NH3 के 5 अटैच हैं कोबाल्ट के साथ, पहले वाले में भी और दूसरे वाले में, हाँ होल 5 उसमें Br है और इसमें Br भी है और SO4 भी है, डिफरेंस है Br अंदर है एक में ब्रैकेट के अंदर और एक में बाहर, तो वही समझाने जा रही हूँ ना क्या डिफरेंस है। वॉज प्रिपेयर्ड इन 2 लीटर सोल्यूशन, किस में बनाया गया इसको 2 लीटर सोल्यूशन, 1 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ एक्स एंड एक्सेस ऑफ AgNO3 मिलाया जाता है तो वाई बनता है, और 1 लीटर मिक्सचर ऑफ एक्स अगर मिलाते हैं हम लोग एक्सेस ऑफ BaCl2 के साथ तो क्या बन जाता है आपका Z बन जाता है। अब बोल रहे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Y एंड Z आर, ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा क्या है अलग सा है, देखते हैं देखते हैं भाई। पहली बात तो ये जो कंपाउंड दिया हुआ ये है कंपाउंड आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर दिखाई देता है, ये बड़ा सा ब्रैकेट दिखेगा, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इस ब्रैकेट को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो ऐसे कंपाउंड जब भी ब्रेक होते हैं, जब भी ये आयंस में ब्रेक होंगे
तो एक आयन बनता है जो ब्रैकेट के अंदर पूरी चीज है वो बड़ा सा आयन बनता है, और एक ब्रैकेट के बाहर वाला आयन बनता है। ठीक, इतनी बात समझ आती है। जैसे मान लो हम बोलते हैं कि NaCl ब्रेक हो रहा है, तो कैसे ब्रेक हो, माइनस। लेकिन अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ब्रेक होता है तो कैसे होता है, पहले वाले को देखते हैं। CONH3 NH3 होल 5, और कैसे लिखा हुआ है यहाँ पे, Br लिखा। तो ये जब ब्रेक होगा तो ये इस तरीके से ब्रेक होगा। देखो ब्रैकेट के अंदर वाला एक आयन बनाएगा, एक आयन, और ये एक आयन बनेगा, ये बना लेगा पॉजिटिव, और ये दूसरा आयन बनेगा Br-। ठीक, एक कंपाउंड ये है हमारा, और दूसरा क्या है, हाँ ये जैसे NaCl ब्रेक था तो कैसे हो रहा था, सिंपल सॉल्ट था ये, तो सिंपल Na प्लस और Cl माइनस में ब्रेक हो रहा था। लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब ब्रेक होते हैं तो कैसे होते हैं, जो बड़े ब्रैकेट वाला आयन होगा वो पूरा का पूरा अलग हो जाता है। हाँ, ये आपके अलग अलग नहीं होंगे, ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स आयन बोलते हैं इसको, तो कॉम्प्लेक्स आयन अलग होगा और जो बाहर होगा स्फीयर के वो अलग हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से ये आयन में ब्रेक हो गया। एक मिनट बता तो दे। दूसरा देखो, CONH3 होल 5 Br(NSO4), ये ब्रेक होगा तो किस तरीके से ब्रेक होगा, इसकी ब्रेकिंग देख लो। दूसरे वाले को अगर हम ब्रेक करें, ये दूसरे का फॉर्मूला है CONH3 होल 5 Br(SO4)। सेकेंड वाले को अगर आप ब्रेक करो, इसमें Br अंदर की तरफ है और SO4 बाहर है। ठीक, तो अगर ये ब्रेक होगा तो कैसे होगा, देखो ये Br तो अंदर ही रहेगा, ये SO4 जो होता है इसमें -2 का चार्ज होता है, सल्फेट जो आयन होता है उसमें कितने का चार्ज होता है, -2, तो इस स्फीयर के ऊपर भी +2 का चार्ज है, ऐसे ब्रेक होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला इन्होंने, क्वेश्चन ने बोला कि मिक्सचर है एक्स कोई, उसमें 0.02 मोल इसके हैं और 0.02 मोल दूसरे वाले कंपाउंड के हैं। इसको प्रिपेयर किया गया, इन दोनों को मिला करके टोटल सॉल्यूशन कितना है, 2 लीटर है। ठीक, 1 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ एक्स एक्सेस ऑफ AgNO3 के साथ इसको ट्रीट करना है। अब इस इक्वेशन का क्या मतलब है, जब किसी भी कंपाउंड में क्लोरीन ब्रोमीन या आयोडीन होता है और उसको हम AgNO3 के साथ ट्रीट करते हैं, तो वो एक रिएक्शन देता है इस तरीके से। अगर किसी कंपाउंड में क्या है, आई है या Br माइनस है या Cl माइनस है, उसको अगर हम लोग AgNO3 के साथ ट्रीट करेंगे तो इस जो सिल्वर होता है वो सिल्वर आई से या Br से या Cl से रिएक्ट करके क्या बनाता है, आई होगा तो AgI, Cl होगा तो AgCl, Br होगा तो AgBr। तो इतनी बात हमको समझ में आती है कि ये वाला जो कंपाउंड जो Br माइनस देने वाला था, जो Br माइनस दे रहा है उसका Br माइनस जब इस मिक्सचर को हम रिएक्ट कराएंगे AgNO3 के साथ, तो ये Br माइनस यहाँ पे क्या बना लेगा, AgBr बना लेगा। क्लियर है बात, तो Y जो बनेगा वो क्या बन सकता है, AgBr बन सकता है। दूसरा देखो, दूसरा इन्होंने दिया 1 लीटर ऑफ मिक्सचर, इसी मिक्सचर का 1 लीटर ले लिया, एक्सेस ऑफ BaCl2, अब BaCl2 डाल रहे हैं, BaCl2 भी अलग तरीके से रिएक्शन करता है। BaCl2 अगर किसी कंपाउंड में SO4-2 है, कौन सा रेडिकल है, SO4-2, और इसके साथ आप BaCl2 डालते हो, बेरियम क्लोराइड डालते हो, तो
तो ये SO4 माइनस टू के साथ BA प्लस टू रिएक्ट करता है और ये बनाता है BaSO4 का वाइट पीपीटी। हाँ, वाइट प्रेसिपिटेट बनाता है बेरियम सल्फेट। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट रिएक्शन है उसमें क्या बनेगा, AgBr बनेगा, ये येलो कलर का होता है, हाँ ब्रोमाइड। और दूसरा जो रिएक्शन है उसमें क्या बनेगा, ये व्हाइट कलर का बेरियम सल्फेट। ठीक, ये तो बात हो गई कि रिएक्शन हो क्या रहा। अब हमें रिएक्शन से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, लेना देना किससे है, मोल से लेना देना। इन्होंने बोला कि जो ये बन रहा है वाई और जेड उसके मोल्स कितने होंगे। तो अगर आप रिएक्शन को देखो, ये अगर एक मोल टूटता तो एक मोल Br- देता। स्टाइकोमेट्री देखो, अगर ये वन मोल टूटता तो वन मोल ये बनता और वन मोल ये। ठीक, और इस रिएक्शन को भी देखो, अगर आपका वन मोल Br- है तो वन मोल ही AgNO3 रिएक्ट करेगा और वन मोल क्या बनेगा, AgBr। इसका मतलब जितने मोल आपके इसके होंगे उतना ही मोल क्या होगा आपका, AgBr वाला बनेगा। दूसरे रिएक्शन को देख लो, सेकेंड वाले को। सेकेंड वाले में क्या हो रहा है, SO4 माइनस टू बन रहा है, तो इसमें भी यही चीज दिख रही है। अगर ये वन है तो ये कितना बना, वन बना, ये भी कितना बना आपका, वन बना, है ना, ये भी वन बन गया। तो इसका मतलब अगर ये वन है तो ये भी वन यूज होगा और ये कितना बनेगा, वन ही बनेगा। इसको हमने नाम क्या दिया है, वाई, और इसको हमने नाम क्या दिया, इस कंपाउंड को जेड। रिएक्शन को देख के हमने समझा कि ये है वाई और ये है जेड। तो जितने मोल इसको लोगे उतने ही मोल ये बनेगा। तो ऑप्शन क्या बनना चाहिए, इनिशियली ये जो हमने कंपाउंड बनाया था, जो मिक्सचर बनाया था, उसमें दोनों चीजें कितनी थी, इतने इतने मोल थे ना, यही तो बताया था। तो ऑप्शन क्या बोल रहे हो आप, डी। ध्यान से देखो, डी होगा या ए होगा, सोचो और देखो, जो ऊपर लिखा हुआ है और ये जो लाइन लिखी हुई है इसमें क्या डिफरेंस है। ध्यान से देखो, जो सॉल्यूशन इन्होंने बनाया उसमें इन्होंने क्या बताया कि सॉल्यूशन के 2 लीटर में 0.02 पहला वाला कंपाउंड है और 0.02 दूसरा वाला है। ठीक है, अब जब इन्होंने रिएक्शन कराया तो क्या बोला कि इस मिक्सचर का कितना लिया है, 1 लीटर लिया। तो अगर आप अमाउंट आधा कर दोगे तो उसके मोल्स भी आधा हो जाएंगे और उसके मोल्स हाफ हो जाएंगे, दोनों मोल्स हाफ हो जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब यहाँ रिएक्ट करने वाला कितना है, 0.02 था। हमारे पास है, अगर इसका 1 लीटर लेते हो तो यहाँ पे 0.01 ये वाला है, और अगर इसका 1 लीटर लेते हो तो यहाँ पे रिएक्ट करने के लिए 0.01 ये वाला। अब हमें पता ये वन है तो जो कंपाउंड हमारा बन रहा है वो कितना बन रहा है, वन ही बन रहा है, सेम टू सेम। अगर 0.01 है हमारे पास तो 0.01 बनेगा। तो ऑप्शन क्या बनेगा अपना, पहला बन जाएगा। गलती क्या करेगा बच्चा, अगर ये सारे रिएक्शन को समझ भी लेता है तो यहाँ पे ध्यान नहीं देगा कि ये जो सॉल्यूशन बनाया है वो तो 2 लीटर में बनाया है, लेकिन जो लिया है वो कितना लिया है, 1 लीटर। तो मोल सीधे सीधे क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है, पी लो पी लो। तो आंसर क्या बनता है अपना, ए। किसी को कोई दिक्कत, कैसे निकाला, 2 लीटर में भाई आपका फर्स्ट कंपाउंड कितना था, 0.02, और सेकेंड कंपाउंड कितना था,
0.02 मोल। अब हमारे पास जो सिचुएशन थी, जो रिएक्शन कराया था, उसमें क्या किया था, क्या किया था, 1 लीटर ले लिया था मिक्सचर का, उसी मिक्सचर का। तो 1 लीटर अगर ले लोगे तो कंपाउंड क्या हो जाएंगे, मोल्स आधे हो जाएंगे अपने आप, ऑब्वियस सी बात है। फर्स्ट कंपाउंड अब कितना हो जाएगा, हो जाएगा, और सेकंड कंपाउंड भी क्या हो जाएगा उसमें, हाँ हो जाएगा। और आपको पता है कि मोल्स क्या यूज हो रहे हैं, सेम टू सेम यूज हो रहे हैं। जितने मोल्स आपके इस कंपाउंड के हैं उतने ही मोल्स ये है, उतने ही मोल्स ये भी है, और उतने ही मोल्स क्या हो रहे हैं, रिएक्ट भी कर रहे हैं सेम टू सेम, और प्रोडक्ट भी उतने ही मोल्स बन रहे हैं। हमने केवल रिएक्शन की स्टाइकोमेट्री से देख लिया कि कितना मोल है, 1 मोल है, ब्रेक हो रहा है, ये 1 मोल बना रहा है। SO4 के जितने मोल हैं उतने ही BaCl2 के मोल यूज हो रहे हैं, और उतने ही 1 मोल BSO4 भी बन रहा है। तो सबकी स्टाइकोमेट्री क्या है, 1:1 है, यानी कि इक्वल। तो आपने कंपाउंड ओरिजिनल जितने मोल लिया उतना ही प्रोडक्ट बन। कर लेंगे ऐसा कोई क्वेश्चन, अगर डेटा बदल के आ जाए, कोई कंपाउंड चेंज करके आ जाए तो। अब देखो और भी होंगे, चलो ये ट्राई करो। कंपाउंड, पूरे कंपाउंड का फॉर्मूला दे रखा है, तो फॉर्मूला से आप क्या निकाल सकते हो, मोलर मास निकाल सकते हो। ऐसे क्वेश्चन से सबसे पहले क्या करो, मोलर मास निकालो, निकालो इस पूरे का मोलर मास। कॉपर का 63.5 होता है वैसे, तो 63.5 लो, इन्होंने नहीं दिया है ना, उन्होंने 63 दे दिया था तो 63 यूज करो। सल्फर का कितना होता है, 32, ऑक्सीजन का 16, H2O का पता ही है आपको, पूरे H2O का कितना होता है, 85 का ले लेना। तो पहले मोलर मास निकालो। यहाँ पे मॉलिक्यूल्स का वेट निकालना है, वेट निकालना है मॉलिक्यूल्स का। तो पहले निकाल लो मोलर मास, और आपको पता है मोलर मास होता है कितने मॉलिक्यूल्स का वेट, NA मॉलिक्यूल्स का वेट होता है। जितने मॉलिक्यूल्स का वेट पूछा है उतने का निकाल सकते हो आप आराम से। वेट बोले तो यहाँ क्या निकालना है, मास निकालना, ठीक है। केमिस्ट्री में कई बार वेट लिख देते हैं। मोलर मास आ गया, कितना आया, इसका मोलर मास आ गया 249.5, ठीक है। अब आपको पता है कि अगर आपके NA मॉलिक्यूल्स होते तो उन्हीं का मास होता है ये मोलर मास, ठीक है। तो हमको क्या पता है, 6.022 मल्टीप्लाइड बाय 10^23 अगर मॉलिक्यूल्स हैं तो उनका मास क्या होगा, इक्वल टू होगा मोलर मास, और मोलर मास कितना है, 249.5 ग्राम लिख दो अगर। अब मॉलिक्यूल्स आपके क्वेश्चन में दिए हुए हैं, देखो इतने मॉलिक्यूल्स का आपको मास कैलकुलेट करना है, तो इतने मॉलिक्यूल्स का मास पता है तो इतने का निकाल नहीं सकते हो, यूनिटरी मेथड है सीधे सीधे, कुछ खास बात है इसमें, मानवेंद्र कोई खास बात है, सीधे सीधे क्या करेंगे इसको,
लगा करके सॉल्व कर लेंगे। बताओ कितना आना चाहिए? टू फोर्टी नाइन पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाय सिक्सटी पॉइंट टू टू, ये आ गया। फोर पॉइंट कुछ आ जाएगा ना आंसर, कोई दिया है फोर पॉइंट में? और नन ऑफ दीज और दे रखा, कंफ्यूजन नहीं, सॉल्व करना पड़ेगा पूरा। नन ऑफ दीज दे दिया ना, सी सी आ रहा है। पॉइंट फोर क्यों आ रहा है? मेरा तो फोर आ रहा है, तुम्हारा पॉइंट फोर कैसा है? सॉल्व कर लो। मानवेंद्र क्लियर हो रहा? कुछ कुछ मोलर मास होता है आपका 6.022 10 रेज टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स का मास। 41 आएगा कैसे? फोर्टी वन कैसे आएगा बेटा? नीचे 23 है तो मैंने कट कर दिया, 22 है ना मॉलिक्यूल्स। नन ऑफ दीज और अटका दिया ना। अच्छा 1.4 1.43 आ रहा है। और एटॉमिक मास तो 63.5 ही होता है। सिक्सटी थ्री लेके करोगे तो क्या होगा? पॉइंट फाइव का डिफरेंस आएगा, 249 आएगा। तब डिवाइड करके देखो, वैसे होता 63.5 है तो क्यों हम लेंगे? पता नहीं इसमें होगा 1993 का, इसमें होगा 91 का है, इसमें नहीं होगा। दूसरी वाली बुक में लाई नहीं, उसमें उसमें पुराने भी है। 91 का क्वेश्चन उसमें थी। इनके आंसर मैं डाल दूंगी आज के पीडीएफ में, है ना, जहाँ से मैंने उठाए हैं वहां पे एग्जैक्ट आंसर तो होंगे। तो अपना आंसर वैसे आ क्या रहा है? नहीं, वैल्यू कितनी आ रही है? वैल्यू 4.3 आ रही है। ये अपनी 159 ये वैल्यू नहीं आ रही है। किसी का ए भी आ रहा था? किसका ए आ रहा था बच्चा? हेलो ऑनलाइन वाले बच्चे, कोई अभी बीच में ए बोल रहा था ना? ऐसे इसके हिसाब से तो नन ऑफ दीज करना पड़ेगा, क्योंकि 143 आ रहा है और ये क्या है? 159 है ना। टू डिजिट तक अगर लेते हैं तो भी हम लोग इसको फाइव तो नहीं बना पाएंगे ना, फाइव बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। और क्यों टू डिजिट तक लेंगे अगर थ्री तक दिया हुआ है तो? वो कैलकुलेटर से चेक कर रही हूँ, खुद अगर कुछ नहीं गूगल पे उसकी जरूरत नहीं है, इसका बस कैलकुलेशन दे। हाँ तो बस ठीक है, नन ऑफ दीज होगा। ठीक है,
बाकी मैं चेक करके आंसर डालूंगी जहां से ये उठाए। इसमें आंसर क्या आ रहा है? नन 4.14। ठीक है, ये अपनी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रही है ना, तो अब नन करना पड़ेगा हमको। ठीक, तो इन्होंने आंसर निकलवाया भी और क्या करवा दिया हमारा, नन ऑफ दीज करवा दिया। चलो भैया, मुझे तो दिख भी नहीं रहा है, तुम्हें तो थोड़ा दिख भी रहा है, मुझे पीछे आना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। 1 मोल ऑफ कैल्शियम फॉस्फाइड ऑन रिएक्शन विद एक्सेस ऑफ वाटर गिव्स। अब ये देखो इनऑर्गेनिक की रिएक्शन है ना, इनऑर्गेनिक की रिएक्शन बेस्ड फॉस्फाइड। ठीक है, फॉस्फाइड क्या होता है? P-3। फॉस्फाइड क्या होता है रेडिकल? P-3। तो कैल्शियम फॉस्फाइड का लिखना है फॉर्मूला, तो लिख सकते हैं Ca का +2 होता है और इसका कितना है? -3। फॉर्मूला लिखने के लिए इसका नीचे की तरफ इसके और इसके, तो फॉर्मूला ये बन गया। बोल रहे हैं Ca3P2 किससे रिएक्ट करता है? वाटर से। वाटर से रिएक्शन करा दो, उसके बाद क्या बनता है? प्रोडक्ट आपको मालूम होने चाहिए, मतलब रिएक्शन आपको पता होना चाहिए, तभी आप क्या कर पाएंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे एक गैस बनती है जिसको हम बोलते हैं PH3, फॉस्फीन। जैसे अमोनिया होता है NH3, वैसे ये क्या है? फॉस्फोरस से बनता है PH3। क्या बोलते हैं इसको? फॉस्फीन। क्या बनेगा? कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड CaOH2। इस रिएक्शन को बेसिकली आपको क्या करना है? बैलेंस करना है। जब बैलेंस करके लिखोगे तो आपको इक्वेशन दी नहीं होगी। अभी आप जब पढ़ोगे फॉस्फोरस वाली फैमिली तो वहां पे ये इक्वेशन आएगी, तो अगर आपको याद है तो आप कर लोगे, नहीं याद है तो क्वेश्चन गया। तो यहाँ पे अगर आप कर दो 2PS3 बैलेंस करने की कोशिश करो, तो यहाँ पे 3Ca कर लो, तो आप कितने हो गए? ये से हो जाएगा 12 चाहिए। हाँ, 6 इधर हो गए, 6 इधर हो गए, तो हो गया, बन गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में ऑप्शंस क्या दिए हुए, जब ये रिएक्शन होता है तो क्या क्या बनता है, तो अब आप देख लो भाई। ये 1 मोल है, बैलेंस रिएक्शन में देखना होता है, 6 मोल वाटर यूज हो रहा है, 2 मोल फॉस्फीन बन रही है और 3 मोल क्या बन रहा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब ऑप्शन देखो, 1 मोल ऑफ फॉस्फीन प्रोड्यूस, अगर 1 मोल कैल्शियम फॉस्फाइड आप लेते हो, एक्सेस ऑफ वाटर लेते हो, वाटर खूब है, तो आपका क्या बनेगा? 1 मोल फॉस्फीन बनेगा? नहीं भाई, ये 1 मोल ले रहे हो तो कितना बन रहा है? 2 मोल बन रहा है। 2 मोल फॉस्फोरिक एसिड इज प्रोड्यूस, 2 मोल्स ऑफ फॉस्फीन इज प्रोड्यूस, 1 मोल ऑफ फॉस्फोरस पेंटोक्साइड फॉस्फीन। तो क्या बन गया अपना आंसर? 2 मोल्स ऑफ फॉस्फीन इज प्रोड्यूस। ये चल के देगा क्या सीन है? ठीक, क्लियर है? तो ये कैसा क्वेश्चन था? अगर रिएक्शन याद है कि क्या बनता है तब तो आप कर लेंगे, और नहीं तो क्या होगा? छोड़ना पड़ेगा, माइनस करा के नहीं आएंगे, क्या करेंगे? छोड़ देंगे ऐसे क्वेश्चन। चलो चलो भाई, ये मोल कॉन्सेप्ट पे जो क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर वो करवा रही हूँ, क्योंकि अब इस चैप्टर के छोटे छोटे और टॉपिक्स करवाऊंगी, तो मोल के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो करवा दे रही हूँ, प्रैक्टिस हो जाए आपकी। जिस ठीक है,
AIEEE पहले होता था एग्जाम, अब खत्म कर दिया गया। सब लोग क्वेश्चन देख पा रहे हैं? मानवेंद्र, नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं और आपको गिवन मास दिया हुआ, ठीक है? सब दोनों ऑप्शन को चेक कर लो, बोथ करेक्ट तो नहीं है, ये भी देख लो। ऐसे में चांसेस होते हैं ना, अगर ए आ गया तो नन पे तो आएगा नहीं, बोथ आर करेक्ट। अच्छा देखते हैं, सॉल्व करते हैं ना? क्वेश्चन क्या कह रहा है? नंबर ऑफ एटम्स इन 560 ग्राम ऑफ आयरन, 560 ग्राम आयरन में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं? और ऑप्शंस बनाया इज ट्वाइस दैट ऑफ 70 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, 70 ग्राम नाइट्रोजन के डबल है। फिर दूसरा दिया हुआ ऑप्शन इज हाफ दैट ऑफ 20 ग्राम हाइड्रोजन, 20 ग्राम हाइड्रोजन के हाफ है। तो तीनों में निकाल लेते हैं और देख लेते हैं। तो सबसे पहला आयरन के लिए दिया हुआ है, तो एटम के लिए अगर आपको क्या निकालना होता है, मोल निकालो पहले। सबसे पहले स्टेप क्या होता है, मोल निकाल लो। तो गिवन मास बाय एटॉमिक मास, गिवन मास कितना दिया है 560 और एटॉमिक मास इन्होंने 56 लिख रखा है, तो मोल कितने आ गए आपके 10। ठीक, अब एटम के केस में मोल से मॉलिक्यूल पे तो जाते नहीं है, मोल से सीधे किस पे चले जाते हैं, एटम पे चले जाते हैं, मॉलिक्यूल होता नहीं है। तो मोल से अगर हमें क्या निकालना है, ये मोल आ गए, मोल से अगर हमको नंबर ऑफ एटम निकालने, ठीक है, तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, एन ए से करते, तो कितना आ जाएगा एटम, एन ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, एन ए की वैल्यू पता है सबको, कितना आ गया, ये आ गया हमारा आयरन के लिए। ठीक, अब 70 ग्राम नाइट्रोजन में कितने एटम है देख लो, नाइट्रोजन के लिए दिया हुआ 70 है ना, हाँ। तो 70 ग्राम नाइट्रोजन के लिए गिवन मास 70 हो और एटॉमिक मास 40, तो मोल आगे। अब यहाँ पे भी एटम निकाल लो, किससे मल्टीप्लाई कर दो, एनए से, तो एनए से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5NA आ गया, एटम आ गए। अब इन्होंने बोला है कि इसके ट्वाइस दैट ऑफ 70 ग्राम एनए, इसका कितना होना चाहिए, डबल होना चाहिए इसके इक्वल, तो इसको इसको डबल कर दो, ट्वाइस कर दिया तो कितना आ गया 10NA आ गया, तो 10NA इक्वल टू होना चाहिए था इसका, तो यहाँ भी तो 10NA ही आया था सेम, तो पहला ऑप्शन तो करेक्ट है। दूसरे को देखो, इज हाफ दैट ऑफ 20 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, तो इसमें देख लेते हैं क्या हुआ, रजत कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे थे ना, चलो अब कितना दिया हुआ है हाइड्रोजन का, 20 ग्राम दिया हुआ है, 20 ग्राम हाइड्रोजन में देख लेते हैं। ठीक, तो GM by atomic mass, 20 by हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो ये आ गया इसके मोल। अब इसके एटम निकाल लो, तो Na से मल्टीप्लाई कर देंगे 20 into Na। अब ये नहीं बोला है कि 20 ग्राम में, इन्होंने बोला है कि हाफ दैट ऑफ 20 ग्राम, 20 ग्राम में जितने एटम है उसका हाफ, तो हाफ कर लेते हैं, इसका हाफ कर लो, तो हाफ करोगे तो कितना आ जाएगा 10NA आ जाएगा। तो देख पा रहे हो कि क्या आ रहा है, तो चीजें क्या आ गई, तीनों में नंबर ऑफ एटम क्या बन गया, बोथ
करंट। क्लियर होती है बात, पढ़ लेंगे। अब मैं अगले वाले में बोलूंगी नहीं, अब आराम से आप पर। अब इतना आपको सिखा दिया है, ए बी ऑप्शन ही आया, सी डी कहाँ है? क्वेश्चन कट हो गया। दुनिया लुट गई। रिएक्शन दिया हुआ है, एल्यूमिनियम HCl से रिएक्ट करता है, Al+3 Cl- और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। इसके लिए ऑप्शंस दिए हुए हैं, क्या क्या होगा? दो ही ऑप्शन भी हो? दो ही नहीं है भाई, चार थे इसमें, है नहीं, वो कट गया आंसर। कॉपी वॉपी करने में कुछ तो गड़बड़ हुई है, वहां पे तो चार थे। चलो दो को तो चेक करो कौन सा सही है। दोनों सही है। अंशुल क्या बात है, दिमाग बहुत तेज चल रहा है। ऐसा तो नहीं बहुत देखते ही मार्क करना, बहुत क्या याद, हनुमान जी को याद किया, जय बजरंगबली लगा दिया। चलो चलो भैया देखो, ये दो ऑप्शन सही है। क्या रिएक्शन क्या हो रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है। पूरा होना चाहिए, कहाँ गया? ये तो सही है, मल्टीपल नहीं है, AIEEE में मल्टीपल नहीं आते थे। क्या लिख रहे हैं? 2Al+6HCl रिएक्शन है, क्या बनाते हैं? 2Al+3+6Cl- +3H2। ऑप्शन क्या दे रहे हैं? 6 लीटर HCl aqueous is consumed for 3 लीटर hydrogen is produced। अगर 3 लीटर ये प्रोड्यूस होगा तो 6 लीटर HCl यूज होगा। तो ये तो इक्वेशन देख के ही पता लग रहा है हमें, है ना? लीटर में अगर लिखो, ये 2 मोल है, ये 6 मोल है, और ये क्या हो गया? 2 मोल हो गया, ये 6 मोल हो गया ये वाला आयन, और ये क्या हो गया? 3 मोल हो गया। ठीक है, अगर इसको वॉल्यूम में लिखना है तो भाई ये तो सॉलिड होगा तो इसको वॉल्यूम में नहीं लिखते हम। ये अगर एक्वस है, एक्वस का मतलब पानी में सॉल्यूशन बना हुआ, तो ये कितना आ जाएगा? ये आप लीटर में लिख दो इसको, तो अगर इसको 6 लीटर लिखोगे, वो तो एसटीपी पे होता है ना, एसटीपी की तो कोई कंडीशन दी नहीं है ना। यहाँ पे हम कौन सा लॉ लगा देंगे? एक लॉ अभी आपको पढ़ाएंगे, गैलोसॉक लॉ पढ़ाया थोड़ी है। हाँ, गैलोसॉक लॉ कहता है कि जैसे मोल के रिलेशन होते हैं वैसे ही क्या होते हैं? वॉल्यूम के, और वैसे ही मॉलिक्यूल्स के भी रिलेशन होते हैं। तो ये अगर 6 लीटर है तो ये कितना बनेगा? 3 लीटर बनेगा, मोल देख के पता लग रहा है। तो पहला ऑप्शन तो सही है। दूसरा देखो, 33.6 लीटर H2 is produced regardless of temperature and pressure for every mole of Al that reacts। एल्यूमिनियम का अगर 1 मोल रिएक्ट कर रहा है तो ये कितना बनेगा? 33.6 लीटर। तो देख पा रहे हो, यहाँ अगर 1 मोल है तो 33 पॉइंट कहाँ बन रहा है? ऐसा तो है,
ए क्या है आपका? देख पा रहे हैं सब लोग हैं? ऑप्शंस पूरे नहीं है, अगले उसमें ऑप्शंस डाल दूंगी आपको या पीडीएफ में ही डाल दूंगी, तो दोनों को चेक कर। अभी भेजा नहीं था पिछले क्लास का? भेजा था, तो ये भी भेज दूंगी। कभी भूल जाऊं तो ये तो पढ़ा चुकी हूँ आपको, लिमिटिंग रीजन। अच्छा अब आगे की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, ये तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो गई। यहाँ तक इसमें सारे पॉइंट क्लियर हैं? जो बातें अपनी हुई आज सारे पॉइंट सबको क्लियर हैं? किसी को नहीं हो तो बता दो। मानवेंद्र को नहीं होंगे क्योंकि मानवेंद्र ने पहले दूसरे लेक्चर में जो बेसिक हुआ है वो अभी नहीं किया हुआ, तो आधा आधा सा आ रहा होगा। अब देखो एक नया छोटू सा टॉपिक कर लेते हैं हम लोग। एक आता है आपका परसेंटेज प्योरिटी निकालना होता है, और एक होता है आपका परसेंटेज यील्ड निकालना होता है। परसेंटेज यील्ड निकालते हैं हम क्वेश्चंस में प्रोडक्ट के लिए, और परसेंटेज प्योरिटी निकाली जाती है रिएक्टेंट की। किसकी निकाली जाती है? रिएक्टेंट। तो परसेंटेज प्योरिटी सीखते हैं पहले। छोटी सी चीज है ठीक। देखो ध्यान से, जैसे मान लो सपोज एग्जांपल से समझते हैं, एक कंपाउंड है ए बी ठीक, इसकी रिएक्शन कराते हैं मान लो हम एससीएल से, एसिड से रिएक्शन। अब ये जो ए बी कंपाउंड है एससीएल से रिएक्शन करता है और प्रोडक्ट बनाता है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन करता है ठीक। ये अगर प्योर है मान लो, प्योर है, और जो रिएक्शन की स्टाइकोमेट्री है वो ये कह रही है कि भी क्या बन रहा है, वन मोल बन रहा है मान लो, और आपको रिएक्शन में ये भी वन मोल दिया हुआ है, ये भी वन मोल दिया हुआ है, तो ये पूरा पूरा रिएक्ट कर जाएगा इससे, अगर HCl से रिएक्ट करता है इसी इक्वेशन के अकॉर्डिंग, तो पूरा पूरा ये रिएक्ट कर जाएगा ठीक। लेकिन अगर इस कंपाउंड का सैंपल इम क्या हो, प्योर इम्प्योर का मतलब उसमें कोई और चीज मिक्स हो जो HCl से रिएक्ट नहीं करती। इम्प्योर ए भी ले लिया हमने, तो इम्प्योर ए बी का मतलब है कि उसमें कुछ ए बी होगा और कुछ उसमें क्या होगी, इम्प्योरिटी होगी जो किसी और चीज की होगी ठीक है। तो अब ये जो इम्प्योर ए बी लोगे तो इसको HCl से रिएक्ट कराओगे ठीक है, तो ये भी प्रोडक्ट बनाएगा। ऐसी बात नहीं है कि प्रोडक्ट नहीं बनाएगा, प्रोडक्ट तो बनाएगा ही क्योंकि इसमें प्योर ए बी तो है ही ना, लेकिन कुछ पोर्शन क्या है इम्प्योरिटी का है। तो आपको डेटा दिए होते हैं और डेटा के अकॉर्डिंग आपको निकालना होता है इसकी परसेंटेज प्योरिटी। जैसे मान लो ये 100 ग्राम सैंपल दिया है, प्रोडक्ट आपका 50 ग्राम बन रहा है, तो पूछेंगे आपसे कि इसकी परसेंटेज प्योरिटी कितनी है, मतलब इसमें प्योर ए बी कितना है। इतनी बात क्लियर होती है? किसकी परसेंटेज प्योरिटी निकालनी है हमको? रिएक्टेंट। किसके लिए कैलकुलेट करते हैं? रिएक्टेंट। किसकी बेसिस आता है? कितना प्योर है डिवाइडेड बाय कितना टोटल अमाउंट है मल्टीप्लाइड बाय 100। फॉर्मूला क्या लगाएंगे? परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सैंपल इज इक्वल टू कितना क्या होगा, प्योर अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल सैंपल कितना है मल्टीप्लाइड बाय 100। मल्टीप्लाई तो करना ही ठीक है, प्योर कितना है डिवाइडेड बाय टोटल सैंपल कितना है जिसमें प्योर और इम्प्योर दोनों होगा मल्टीप्लाइड बाय 100 ठीक है। इससे क्या निकल जाएगी? परसेंटेज प्योरिटी। क्वेश्चन क्लियर है?
क्वेश्चन कर ले अब इस पे कोई। क्वेश्चन कर लिया जाए परसेंटेज प्योरिटी का। इसी तरीके से प्रोडक्ट के लिए हम लोग यील्ड भी निकालते हैं, परसेंटेज यील्ड कितना प्रोडक्ट बनेगा, कितने परसेंट प्रोडक्ट। टाइम क्या हो रहा है, इस बुक में डेटा है नहीं, डेटा बनाना पड़ेगा। चलो बनाते हैं, ठीक है। लाइमस्टोन का सैंपल गिवन है आपको। लाइमस्टोन चूना पत्थर होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना, ठीक है। लाइमस्टोन गिवन है सैंपल 1 ग्राम, ठीक है। ये रिएक्ट करता है HCl से, वन ग्राम सैंपल है और रिएक्ट कर रहा है किससे, HCl से रिएक्ट कर रहा है। और ये HCl के कितने ग्राम से रिएक्ट करता है, रिएक्टेड विद 0.0023 ग्राम ऑफ HCl, ठीक है। आपको क्या निकालना है, परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सैंपल। जो ये लाइमस्टोन का सैंपल है इसमें परसेंटेज प्योरिटी इसकी निकाल, ठीक है। टोटल जो सैंपल है वो 1 ग्राम है, लाइमस्टोन का 1 ग्राम से, हाँ। और ये कितने HCl से रिएक्ट कर रहा है, इतने ग्राम HCl से रिएक्ट कर रहा। तो पहले ध्यान से समझे कि इसमें रिएक्ट कौन करेगा, कैल्शियम कार्बोनेट करेगा, इंप्योरिटी नहीं करेगी। कैल्शियम कार्बोनेट किस रिएक्शन के थ्रू रिएक्ट करेगा ये देखते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट की अगर HCl के साथ रिएक्शन देखो, CaCl2 बनता है, H2O बनता है और CO2 गैस रिलीज। जित ज्यादातर कार्बोनेट्स अगर किसी एसिड से रिएक्ट करते हैं तो CO2 गैस इवॉल्व करते हैं, ठीक है। CO2 बनाना है प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट वाटर बनाना है, एक बन गया सॉल्ट। अब हमारे पास जिसकी जिसकी इंफॉर्मेशन है उसको उसको याद रखो, जिसकी है नहीं उसको याद रखने की जरूरत नहीं। इंफॉर्मेशन HCl की है, इंफॉर्मेशन हमें चाहिए CaCO3 प्योर की, तो इन सबको भूल जाओ, इनकी कोई जरूरत नहीं हमको। तो यहाँ पे अगर देखो तो ये कितना है, 1 मोल, तो ये कितना रिएक्ट कर रहा है, 2 मोल रिएक्ट कर रहा है, ठीक। और ये 1 मोल अगर है तो 1 मोल का मतलब क्या होता है, मोलर मास हो जाएगा। 1 मोल का मास मोलर मास होता है, किसी भी चीज के 1 मोल का मास इक्विवेलेंट होता है कितना, मोलर मास। इसका अगर मोलर मास निकालो तो आता है 100, तो 100 ग्राम हो जाएगा। 1 मोल रिएक्ट कर रहा है इसका मतलब कितना रिएक्ट कर रहा है, 100 ग्राम रिएक्ट। HCl के 1 मोल का मास 2 मोल है यहाँ पे, तो HCl के अगर 1 मोल का निकालते हो तुम तो HCl का कितना निकलता है, ये 1 होता है, ये 35.5 होता है, तो 36.5 होता है, 1 मोल का होता है ये। तो 2 मोल का अगर निकाल लो तो कितना आ जाएगा, ये बात क्लियर है मानवेंद्र। देखो यहाँ पे रिएक्शन के अकॉर्डिंग 2 मोल रिएक्ट कर रहे हैं, तो 2 मोल का मास कैलकुलेट करना है। 1 मोल का मास मोलर मास होता है, तो मोलर मास कैसे निकाल लिया, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 और इसका 35.5, तो 36.5 आ गया। अब इन दोनों को इस 2 मोल के लिए इसको डबल कर दिया, तो डबल करोगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, ये 73 आ जाएगी, ठीक।
तो अब आपको पता लग रहा है कि अगर ये 100 ग्राम है तो HCl कितना रिएक्ट कर रहा है, 73 ग्राम। तो रिएक्शन में कितने ग्राम HCl रिएक्ट कर रहा है वो गिवन है, तो उसके अकॉर्डिंग CaCO3 का रिएक्ट करने वाला मास निकाल लेंगे। ऐसे करके देखो, अगर 73 ग्राम HCl रिएक्ट कर रहा है तो कितने से रिएक्ट कर रहा है, 100 ग्राम CaCO3 से। तो क्वेश्चन में कितने ग्राम गिवन था, 0.023 ग्राम अगर HCl रिएक्ट कर रहा है तो वो कितने से करेगा, 100 डिवाइडेड बाय 73 मल्टीप्लाइड बाय 0.23 ग्राम CaCO3। यही तो प्योर है, जो रिएक्ट कर रहा है वही प्योर होगा, उसके अलावा तो जो चीज होगी वो क्या होगी, इम्प्योरिटी होगी। तो ये वैल्यू कितनी आएगी, परसेंटेज पूछ रहा है तो प्योर निकालना पड़ेगा हमें। ये आ जाएगा आपका कितना, 2.3 और ये आ गया 73। तो ये वैल्यू आ गई कितनी, अच्छा पहले इतना ही रख लिया। चल ये अब आ गया आपका प्योर, क्या आ गया प्योर, क्योंकि यही तो रिएक्ट करेगा। इम्प्योर कितना था, टोटल कितना था, 1 ग्राम। तो परसेंटेज प्योरिटी के लिए क्या करें, प्योर डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाइड बाय 100। प्योर कितना था अभी निकाला था, 70, टोटल कितना है, 1 इंटू कितना आ जाएगा, तो वैल्यू कितनी आएगी, 3.1 आ रही है। पक्का देख लो, हाँ कोई कुछ कह रहा है, इम्प्योर की भी पूछ सकते हैं। हाँ इम्प्योर की वैल्यू पूछ सकते हैं। उद्धव कुछ कह रहे थे क्या, 3.15%, ठीक है। हाँ सॉल्व आप लोग कर लो, प्रोसेस ये है, क्या करना है, प्योर कैलकुलेट करना है अकॉर्डिंग टू रिएक्शन एंड अकॉर्डिंग टू डेटा। रिएक्शन में कितना चाहिए, कितना होना चाहिए था और कितना है एग्जैक्टली, उसके अकॉर्डिंग निकालेंगे प्योर, डिवाइडेड बाय टोटल सैंपल करेंगे और मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे। तो इससे क्या आ जाएगा, अपनी टाइम तो बहुत हो रहा है अभी, बहुत टाइम है अभी, अभी 6 मिनट है, पूरे 6 मिनट हमारे पास है। ठीक, तो परसेंटेज प्योरिटी निकाल लेंगे आप, कोई ऐसा क्वेश्चन बनता है तो। परसेंटेज के दिए होंगे, मैंने देखा ध्यान नहीं दिया, दिए ही होंगे, आते हैं क्वेश्चन है ना, तो ये टेंशन नहीं करनी है कि आएगा कि नहीं आएगा। अब एक चीज हम लोग सीख रहे हैं, एवरेज मास, एवरेज एटॉमिक मास की बात आती है और कैसे निकालते हैं? किसी एलिमेंट के अगर क्या हो, आपके आइसोटोप्स प्रेजेंट हो, क्या प्रेजेंट हो, आइसोटोप्स, आइसोटोप्स का मतलब क्या होता है, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, या मास नंबर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आइसोटोप्स ये होते हैं, इनके लिए अगर किसी सपोज किसी एलिमेंट के 3 आइसोटोप्स हैं और तीनों का परसेंटेज गिवन है कि नेचर में एक है एक्स परसेंट, दूसरा है वाई परसेंट और तीसरा है आपका जेड परसेंट, और तीनों के एटॉमिक मासेस गिवन है कि इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है,
तो आपको निकालना है उस एलिमेंट का एवरेज एटॉमिक मास। तो कैसे आप कैलकुलेट करोगे इसका आपको फॉर्मूला याद रखना है बस। तो कैसे एवरेज एटॉमिक मास अगर हमें निकालना है तो कैसे निकलता है, क्वेश्चन में परसेंटेज गिवन होता है, परसेंटेज ऑफ फर्स्ट आइसोटोप मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप, परसेंटेज ऑफ प्लस परसेंटेज ऑफ सेकेंड आइसोटोप मल्टीप्लाइड बाई एटमिक मास ऑफ सेकेंड आइसोटोप, जिसका परसेंटेज उसका मास, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, ऐड कर दो, डिवाइडेड बाय 100, क्या निकल आएगा एवरेज एटमिक। आप क्या करते हैं इसमें, ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, एवरेज एटमिक मास दे देंगे, एक की परसेंटेज दे देंगे, एक का एटमिक मास दे देंगे, दूसरे की परसेंटेज पूछ लेंगे, मतलब एक दो तीन चार पांच, ये आपके पांच डेटा हैं, पांच में से चार दे देंगे, एक आपको कैलकुलेट कर, कोई भी आपको दे सकते, ठीक है। क्वेश्चन कर ले इसमें, एक क्वेश्चन कर लो अगर इसमें दिया हो। जैसे क्लोरीन के कितने आइसोटोप सुने हैं आपने, दो आइसोटोप सुने हैं 35 एंड 37। हाइड्रोजन के कितने सुने हुए हैं, थ्री आइसोटोप होते हैं 1H1 1H2 1H3, ठीक है, उन्होंने दे ही नहीं रखा है, तो सब रिसेंट दे रखा। जी नहीं, कौन सा पुराना नहीं है, कई चीजें होती है ना जो आपके काम आती हैं, बट मान लो इधर नहीं आ रहा है, इधर की तरफ नहीं आ रहा है ना, तो क्या कर रहे हैं, मामलात खराब कर दे रहे हैं। चलो भाई, तो कोई नहीं, क्या फर्स्ट वाले, अभी इसका यहाँ पे क्वेश्चन भी डाल दूंगी पीडीएफ में, यहाँ पे मेरे पास है नहीं, तो सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, तो कोई आपको दिक्कत। एक क्वेश्चन और बता लो, सब लोग ट्राई करेंगे, नहीं करके जाना है, क्वेश्चन है मिनिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन, कंबशन मतलब जलाना, जलाना मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन, ऑफ वन मोल ऑफ प्रोपेन एंड वन मोल टू मोल ऑफ ब्यूटेन, कंबशन करा रहे हैं ना, कंबशन का मतलब जलाना है, ठीक है, तो बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन की कितने मोल्स हमें चाहिए, अगर आपका वन मोल प्रोपेन को बर्न करना है और टू मोल ब्यूटेन को बर्न करना है, टू मोल, तो दोनों का जो है ना दो रिएक्शन होगा, सबसे पहली चीज कि प्रोपेन और ब्यूटेन का हमें क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो प्रोपेन का फॉर्मूला। अच्छा एक और चीज समझ लो, कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ कोई भी कंपाउंड बोला जाता है हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोकार्बन किसी भी हाइड्रोकार्बन की अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन होती है
मतलब उसका क्या होता है, कंबशन हो रहा है, तो प्रोडक्ट क्या बनता है हमेशा, CO2, वाटर और एनर्जी। क्लियर होती है बात? ऑलवेज क्या ध्यान रखेंगे, प्रोडक्ट यही होगा, बस रिएक्शन की बैलेंसिंग अलग हो जाएगी, किसी में ऑक्सीजन के ज्यादा किसी में ऑक्सीजन के कम मोल्स लग सकते। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन पे आ जाएं। पहला है प्रोपेन, दूसरा है ब्यूटेन, दोनों का होगा कंबशन। प्रोपेन का फॉर्मूला होता है CH3 CH2 CH3। तो टोटल अगर देखो तो कार्बन कितने दिख रहे हैं, तीन, हाइड्रोजन कितने दिखाई दे रहे हैं आपके, C3H8 को रिएक्ट कराना है किससे, ऑक्सीजन। क्या बनाना है, CO2+। रिएक्शन क्या करनी है, बैलेंस, उसी के अकॉर्डिंग तो मोल पता लगेंगे। तो यहाँ पे देखो 3 कार्बन है, तो यहाँ 3 कर दें। अब देखो ऑक्सीजन कितने चाहिए, हाइड्रोजन यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कर लो 4, यहाँ कर लो। तो अब ऑक्सीजन देख लो 6 यहाँ पे, 4 वहाँ पे, 10, तो 5 हो गए, रिएक्शन बैलेंस। तो अगर ये प्रोपेन, सबको क्लियर है बात, अगर इसका 1 मोल है तो 5 मोल ऑक्सीजन यूज हो रही है, पूरे कंप्लीट कंबशन का मतलब बैलेंस रिएक्शन लिख दो। अब इसके लिए 1 मोल के लिए 5 चाहिए था, क्वेश्चन में क्या बोला था, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोपेन, और इस दोनों का मिला के बताना है आंसर। 2 मोल ब्यूटेन है, तो ब्यूटेन को देख लो, ब्यूटेन का अगर फॉर्मूला देखेंगे तो ब्यूटेन का फॉर्मूला बनता है C4H10। ठीक, तो यहाँ बैलेंसिंग देखते ब्यूटेन का, हाँ प्रोडक्ट यही बनाने, क्या करना है अपने बैलेंस करके देख लेना, बैलेंस करो, 4 कार्बन तो यहाँ 4 कर दे। अब देखो हाइड्रोजन 10 है तो यहाँ 5 कर देते हैं, कितने ऑक्सीजन हो गए, 5 ऑक्सीजन, और यहाँ पे कितने हो गए, 5 + 8 13। जैसे ही 13 ऑक्सीजन हो गए, जब 13 हो जाते तो उसको तो डिवाइड करना मुश्किल हो जाता है, तो क्या करते हैं, जो ऑड नंबर होता है उतने ही 13/2 कर लो, यहाँ पे 13 चाहिए ना, तो इसको 13/2 कर लो, मोल्स क्या कर दिए, 13/2 कर दिए, तो भाई कितने हो जाएंगे, 13 × this number है, तो यहाँ पे ये बात तो यही होगी, 13/2 × 2, तो 13 एटम मिल जाएंगे, 13 ऑक्सीजन। टोटल कितने चाहिए, 8, और यहाँ पे कितने हैं, 5, 8 + 5 13। तो जो भी अगर ऑड नंबर आ जाता है ऑक्सीजन का, तो क्या करते हैं, जितना चाहिए बाई टू कर, तो यहाँ 13/2 चाहिए। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि 2 मोल चाहिए ब्यूटेन का, तो 2 कर लो भाई, पूरी रिएक्शन में 2 मोल बना दो, तो 2 मोल जैसे ही बनाओगे वैसे ही क्या बन जाएगा, देखो 2 मोल का मतलब डबल कर दो पूरी इक्वेशन, इसको डबल कर दो, ये 2 बन गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हाफ वाला 2 चला जाएगा, इसको ठीक। तो अब ये ब्यूटेन के 2 मोल हो गए, तो 2 मोल से कितना चाहिए, 2 मोल को जलाने के लिए ऑक्सीजन 13 चाहिए, और इसके 1 मोल को जलाने के लिए कितना चाहिए था, 5 चाहिए था, तो टोटल ऑक्सीजन की खपत कितनी हो गई, एटीन हो गए। इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, आंसर देना था आप, तो 18 मोल्स आ गए। ठीक, क्लास करते हैं, चलिए बच्चा पार्टी, बाय बाय, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू।